स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि अल्कीन्स को अल्किल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं। अल्किल हैलाइड से अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का पहला मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही है कि आप यहाँ पर अल्किल हैलाइड से एक हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम को रिमूव करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। यह एलिमिनेशन प्रोसेस कराने के लिए हम अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन एटम्स बगल बगल वाले कार्बन से निकल रहे हैं। यहाँ पर हैलोजन एटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन एटम्स दोनों अगल बगल वाले कार्बन से रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन की क्या मैकेनिज्म होती है। तो सबसे पहले अल्किल हैलाइड पर बेस अटैक करता है। बेस बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूटकर कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होने लगते हैं, और हैलोजन्स अच्छे लिविंग ग्रुप होने के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और बेस के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, वहीं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होता है और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटकर हमें हैलाइड आयन देते हैं, और फाइनली यह ट्रांजिशन स्टेट हमें अल्कीन एज अ प्रोडक्ट दे देता है। यहाँ पर एक चीज़ यह नोटिस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन से रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम एंटी एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 2-क्लोरोप्रोपेन को अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट प्रोपीन मिल जाता है। वहीं अगर हम 2-क्लोरोब्यूटेन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, जिनके करिस्पोंडिंग हमें ये 2 अल्कीन्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। यदि हमें ऐसे केसेस में मेजर प्रोडक्ट पता करना है तो उसके लिए हम अल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, और हम जानते हैं कि अल्कीन्स की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस केस में अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे वह अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करें तो यहाँ पर हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलते हैं, वहीं सेकेंड केस में हमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलते हैं। तो सेकेंड केस में बनने वाला अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि दूसरा अल्कीन हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी रूल को हम सेटजेफ रूल या फिर जेटसेफ रूल का नाम देते हैं, जो कि यह कहता है कि एलिमिनेशन के दौरान वह हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जिससे कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनता है। चलिए बीटा एलिमिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन के दौरान कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। यदि हम बीटा एलिमिनेशन के लिए अल्किल हैलाइड्स की रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कुछ इस तरह से मिलता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3° अल्किल हैलाइड्स होते हैं, फिर 2° अल्किल हैलाइड्स होते हैं, फिर 1° अल्किल हैलाइड्स होते हैं। अल्कीन्स को हम विसिनल डाई हैलाइड्स से भी बना सकते हैं। विसिनल डाई हैलाइड्स मतलब ऐसे डाई हैलाइड्स जिसमें हैलोजन ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन्स पर प्रेजेंट होते हैं, और
इनसे अल्कीन बनाने के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं। जिंक बहुत ही अच्छा डीहैलोजिनेटिंग एजेंट होता है, तो यह दोनों कार्बन से हैलोजन एटम्स को रिमूव करके अल्कीन्स और जिंक डाईहैलाइड बना देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1,2-डाइब्रोमोइथेन को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें इथीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें जिंक डाईब्रोमाइड मिलेगा। आई होप आप अल्कीन्स की अल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन के मेथड्स को समझ गए होंगे।